हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ए अनिया स्टडीज एंड एंटरटेन में। आज मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ स्क्रब का, जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट भी है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सा यूज करते हैं, बट मैं जो यूज कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है। आई थिंक बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। तो मैंने इसको ख़रीदा था लोकल मार्केट से, मैं लेके आई थी, आप लोग के जो शेयर नहीं की थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ इसको, और हेल्पफुल लगे तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आज कोई ब्लॉगिंग नहीं है, कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं है, तो आज सिर्फ मैं आप लोग के साथ इसको शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए एवर यूथ का है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं हमेशा यही यूज करती हूँ, मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट है। स्क्रब वीक में दो बार करना चाहिए। इससे क्या है, जो डेड स्किन सेल्स होती है ना वो निकल जाती हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। आप देख सकते हैं ये अभी एकदम नए पैकेजिंग में आ गई है। तो मैंने इसको लिया है, मेरे पास फिनिश हो गया था तो मैंने इसको लिया हुआ है। मैंने इसको सिर्फ अभी इसमें से एक बार यूज भी किया हुआ है। ये मुझे पड़ा है 75 रुपये का। तो ये देखिए एक्सप्लोटिंग वॉलनट स्क्रब है, ब्लैक हेड्स एंड डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अगर इसको आप अगर फेस पे अपने अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 मिनट तक अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, ऊपर के साइड मसाज करेंगे, नीचे से मसाज नहीं करेंगे। तो मैं अगर स्क्रब करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं आप लोग के साथ इसको आज शेयर कर दे रही हूँ। मैंने इसको भी लिया था, उसके साथ मैंने एवर यूथ का ये लिया था, गोल्डन पील ऑफ मास्क, गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। ये मैं कभी नहीं यूज करती हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये कैसे होता है। मैंने शायद एक बार शायद इसको यूज किया था, वो भी मेरा नहीं था, तो मैंने इसको ख़रीदा है। इसको मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसे है। जब से लाया अभी वैसे ही पड़ा है, किसी दिन मैं इसको ट्राई करूँगी तो आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग में से कौन कौन इसको यूज करता है मुझे बताना ज़रूर। मैंने कभी यूज नहीं किया है और इसको लाई हूँ तो यूज ही करूँगी, यूज करने के लिए ही ले आई हूँ इसको। तो पहले मैं स्क्रब की बात कर ले रही हूँ। स्क्रब आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। ये मैं दिल से बता रही हूँ, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी लगाती हूँ सिर्फ यही वाला, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। मैंने इसको वीक में मैं एक या दो बार करती हूँ, बट अभी क्या है वाइटी, जब से मैंने वाइटी ज्वाइन किया है तब से मैं बहुत ही कम यूज कर रही हूँ। जब भी याद आता है महीने में 15 दिन में 20 दिन में फिर मैं यूज करती हूँ, नहीं तो पहले मैं इसको वीक में एक बार ज़रूर यूज करती थी। बट कोई नहीं, ले आई हूँ तो इसको यूज करूँगी। टाइम निकाल के अपने फेस का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने फेस पे इसको ज़्यादा देर तक नहीं रफ करना है, क्योंकि ज़्यादा देर रफ करेंगे तो जाता है, रेड हो जाता है। तो सिर्फ मैं इसको 2 या 3 मिनट तक लगाती हूँ, 2 या 3 मिनट तक इससे मसाज करती हूँ, उसके बाद नॉर्मल पानी से मैं वॉश कर लेती हूँ अपने फेस को, उसके बाद आप गुलाब जल या फिर टोनर अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर बहुत ही अच्छा है ये। और इसके लिए आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा है, क्योंकि मैंने अभी यूज नहीं की हूँ, तो मैं यूज करूँगी, देखती हूँ इसका रिजल्ट कैसे है और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसको मैं यूज करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय।